नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्दी के मौसम में गुड़ खाने के फायदे। दोस्तों, गुड़ के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। सर्दियों के मौसम में गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। गुड़ को नेचुरल शुगर के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, गुड़ खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन लोग खाली पेट गुड़ खाने के फायदे या चना और गुड़ खाने के फायदे तो जानते हैं, लेकिन इनसे हटकर भी गुड़ के फायदे हैं। उन्हीं में से एक है गुड़ का पानी पीना। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन इसके फायदे आपको हैरान कर सकते हैं। गुड़ को नेचुरल शुगर के तौर पर भी देखा जाता है। गुड़ स्वाद में ही आपको संतुष्ट नहीं करता, यह सेहत के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है। सर्दियों के मौसम में रात को सोते समय गुड़ खाने से पेट की समस्याओं से बचा जा सकता है। गुड़ को डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। गुड़ के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। सर्दी में गुड़ आपको गर्मी देने का काम भी कर सकता है। गुड़ में पाए जाने वाले तत्व हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं गुड़ के फायदों के बारे में। पहला है सर्दी जुकाम। सर्दी के मौसम में गुड़ का सेवन करने से सर्दी जुकाम की समस्या से बचा जा सकता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो सर्दी जुकाम को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। काली मिर्च और अदरक के साथ गुड़ का सेवन करने से सर्दी जुकाम से बचे रह सकते हैं। दूसरा है हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। गुड़ का सेवन करना हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। गुड़ से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। गुड़ में कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ ही फास्फोरस भी गुड़ में भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। तीसरा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए गुड़ का सेवन करना काफी लाभदायक माना जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में गुड़ को शामिल कर सकते हैं। चौथा है खून की कमी। गुड़ को आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है, उन्हें गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ के सेवन से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।